हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध एवं प्रमुख श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक समाप्त होने के बाद यात्रा मार्ग में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। श्रीखंड मार्ग क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायत की महिला एवं युवक ने जंगल एवं नदी नालों की चरणवत सफाई शुरू की है। उनका कहना है कि जंगल और प्राकृतिक संपदा स्वच्छ रहेगी तो तभी पर्यावरण संरक्षण होगा। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध एवं प्रमुख श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक रूप से समाप्त होने के बाद यात्रा मार्ग में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। श्रीखंड मार्ग क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों की महिलाएं एवं युवकों ने जंगल एवं नदी नालों की चरणबद्ध सफाई शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जंगल और प्राकृतिक संपदा स्वच्छ रहेगी तो पर्यावरण संरक्षण बढ़ेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं और यात्रा मार्ग में लंगर चलाने वालों को भी सफाई का विशेष ध्यान रखने के प्रति जागरूक करने का काम किया। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रयासों को सफल बनाने व महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हर नागरिक को इस दिशा में आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के बागीपुल जाओ से श्रीखंड यात्रा होती है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचते हैं। इससे यात्रा मार्ग और जंगल में प्लास्टिक और अन्य कचरा जमा हो जाता है। इससे जंगल और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए क्षेत्र की महिला मंडल व युवक मंडलों ने सजगता के साथ काम किया है। उनका कहना है कि प्रकृति ने क्षेत्र में अलौकिक सुंदरता और संसाधन दिए हैं, इसे बचाए रखना सबका कर्तव्य है। इसी उद्देश्य को लेकर लगातार सफाई के साथ श्रद्धालुओं और लंगर संचालकों को सचेत भी किया जा रहा था। महिला मंडल शुरली की प्रधान योमा ठाकुर ने बताया कि जाओ से सिंगार नामक स्थान तक सफाई अभियान चलाया गया। लंगर संचालकों को भी सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कचरा इधर उधर ना फेंके और एक स्थान पर ही रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मेरा नाम योमा ठाकुर, महिला मंडल शुरली की प्रधान हूँ। हमने जो है सफाई अभियान है जाओ से लेकर सिंगार तक चलाया है। हम लोगों को भी समझा रहे हैं, रास्ते में जितने भी लंगर लगे हैं उनको भी हमने ये समझाया है कि भाई जो आपका कूड़ा कचरा है वो एक जगह रख के जला दें ताकि जो पर्यावरण को नुकसान ना हो। श्रीखंड सेवा समिति के प्रधान मोहन सिंह ने बताया कि श्रीखंड यात्रा में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस बार आधिकारिक यात्रा से पहले 10,000 और आधिकारिक यात्रा के बाद 5,000 श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए गए। आधिकारिक तौर पर यात्रा बंद हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं का जाना 15 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस बार सफाई अभियान पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं मोहन सिंह ठाकुर, प्रधान श्रीखंड सेवा समिति जोगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लंगर पिछले 10 से 12 सालों से हम लोग यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में यात्रा थोड़ी कम होती थी, अब धीरे धीरे करके हर साल इंक्रीज हो रही है यात्रा। तो इस साल भी जो यात्रा हुई है प्रशासन के दौरान कुछ 5,000 की एंट्री है, लेकिन प्रशासनिक यात्रा से पहले कम से कम 10,000 यात्री इस यात्रा में दर्शन करने के लिए जा चुके हैं और दर्शन भी हो गए हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे जो महिला मंडल है इस यात्रा में, जो सबसे बड़ी बात है हाइजीन सैनिटेशन, क्योंकि आज हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये प्रोग्राम है सैनिटेशन का, स्वच्छता अभियान का इतना बड़ा पूरे देश में, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है इस यात्रा में। जितने भी इस क्षेत्र के इन पंचायतों के महिला मंडल है वो हर दिन महिला मंडल यहाँ पे आते हैं, सफाई करते हैं, और हम उन महिलाओं को जो स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं हम उन्हें पुरस्कृत भी कर रहे हैं श्रीखंड सेवा समिति जोगी की ओर से। तो मैं सभी भक्तों चलक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।